फाइनेंस पीके डेवला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, राजस्थान बोर्ड अजमेर से बड़ी खबर। 12वीं के गणित के पेपर में हुई गड़बड़ी, 18 जून को हुआ था पेपर, बोर्ड अध्यक्ष ने मानी गलती और जांच के लिए कमेटी गठित की है और विद्यार्थी को मिल सकते हैं बोनस अंक। जी हाँ, राजस्थान बोर्ड के जो 12वीं गणित विषय का पेपर हुआ 18 जून को संपन्न हुआ, उसमें कई खामियां सामने आई। हालांकि बोर्ड ने आनन फानन में नए पेपर छपवाए जो दोबारा परीक्षा हुई इसके लिए, लेकिन इसमें कई खामियां रह गई थी। इस मुद्दे को भास्कर ने बहुत प्रमुखता से उठाया था और आप देख सकते हो ये न्यूज़ पेपर कटिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण जो कमियां इसमें बताई गई कि किसी भी पेपर में अथवा का एक भी ऑप्शन नहीं था, यानी जो पैटर्न है पेपर का वो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं था। और पर्सन संख्या 22-23 जो कम से कम 6-6 अंकों के होते हैं, वो पर्सन 3-3 अंकों के कर दिए गए। इसके अतिरिक्त पर्सन संख्या 1-16 में भी कई पर्सन जिनके अधिक अंक के बाहर अंक थे उनको कम अंक करके पूछे गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ छलकपट हुई है और बहुत से विद्यार्थियों और विषय विशेषज्ञों ने इस बारे में बोर्ड को अवगत कराया, तो बोर्ड ने एक इसमें गठित कमेटी की जाँच की है और गठित करके जो भी यदि बोर्ड की तरफ से इसमें कोई खामियां रहती है तो डॉक्टर डीपी जारोल ने बताया कि उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हो लॉकडाउन के चलते जल्दबाजी में प्रकाशित प्रश्न पत्रों का त्रुटि बोर्ड द्वारा मानी जा सकती है। बोर्ड को कुछ प्रतिवेदन मिले थे और उन पर मंथन चल रहा है। यदि वास्तव में कोई त्रुटि रही तो परीक्षार्थियों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और परीक्षाओं के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। ये बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने अवगत कराया है। जिस प्रकार से इसमें विद्यार्थियों को बोनस अंक मिल सकते हैं, वहीं दूसरी एक और खबर है कि पीटीटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे पीटीटी के लिए। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वो पीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये राजकीय डूंगर कॉलेज की ओर से आयोजित मतलब 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय समेकित बीएबीएड जो जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएबीएड और बीएससीबीएड में 2020-21 के लिए प्रवेश के इच्छुक ऐसे भर्ती जो लॉकडाउन की स्थिति में परीक्षा से वंचित रह गए थे उन्हें आवेदन का मौका दिया गया है और वो विभाग की जो वेबसाइट है इस पर आवेदन कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा की जो संभावित आयोजन तिथि है 16 अगस्त निर्धारित है। और इसी प्रकार से बीएसटीसी के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 जून से 15 जुलाई तक है, तो उसके लिए भी जो आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे।